नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा, दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए बम विस्फोट मामले में 4 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। कोविड टीकाकरण में गति लाने के लिए राष्ट्रव्यापी हर घर दस्तक अभियान शुरू, 106,34,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अगले वर्ष से हज यात्रा फिर शुरू होगी। रेलवे परिसर में फिल्मांकन को आसान बनाने के लिए समेकित एकल खिड़की फिल्मांकन तंत्र बनाया गया। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह इस वर्ष 10 दिसंबर को ओस्लो में आयोजित किया जाएगा। सेंसेक्स 60,000 के स्तर पर पहुंचा, निफ्टी भी 17,900 के स्तर पर। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं लवली निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से संबंधित पक्षों का 26वां शिखर सम्मेलन COP26 ग्लासगो में शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व नेताओं का स्वागत करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि धरती इस समय वैसी ही स्थिति में पहुंच गई है जिसका सामना काल्पनिक पात्र जेम्स बॉन्ड ने किया था। श्री जॉनसन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के रूप में विश्व विनाश के कगार पर पहुंच गया है जो इस ग्रह को नष्ट कर देगा। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन COP26 कल तक चलेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 120 से अधिक देशों के राष्ट्र प्रमुख भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मौजूदा स्थिति का आकलन और भविष्य की राह तलाशने का अवसर है। उद्घाटन समारोह के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने कहा कि विश्व के देशों को धरती के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए महत्वाकांक्षी कार्य करने होंगे और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% कम करने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे। Since climate action announcements might give the impression that we are on track to turn things around. This is an illusion. The last published report on national determined contributions showed that they would still condemn the world to a calamitous 2.7 degree increase. And even if the recent pledges were clear and credible, and there are serious questions about some of them, we are still careening towards climate catastrophe. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि वे जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अन्य विश्व नेताओं के साथ काम करने और इस संबंध में भारत के प्रयासों की जानकारी देने के लिए उत्सुक हैं। आज इस सम्मेलन के दौरान सत्र का विषय है, कार्रवाई और एकजुटता, महत्वपूर्ण दशक। श्री मोदी विश्व नेताओं के राष्ट्रीय बयान के दौरान भारत का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। एक रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर यह सम्मेलन एक बड़े वैश्विक मंच के रूप में उभरा है जहां इस विषय पर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन के दौरान पेरिस समझौते के क्रियान्वयन से जुड़े दिशा निर्देशों, जलवायु वित्तीयन के संग्रहण, प्रौद्योगिकी के विकास और हस्तांतरण के साथ साथ पेरिस समझौते में बढ़ते वैश्विक तापमान को सीमा में रखने के लिए
लिए तय किए गए लक्ष्यों पर बात होगी। भारत की तरफ से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देश में उठाए जा रहे कदमों को विश्व पटल पर रखा जाएगा। भारत ने 2015 में पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इस सम्मेलन में भारत जलवायु वित्तीयन और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा। साथ ही नई दिल्ली द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने जैसे विषयों को भी गंभीरता से रखे जाने की संभावना है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, ग्लासगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से आज बातचीत की। श्री मोदी से बात करते समय लोग अत्यधिक उत्साहित थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। मोदी जी, भारत का गहना है। हम लोग इतना प्राउड फील कर रहे हैं ग्लासगो आने के बाद में। लोगों में इतना उत्साह भरा हुआ है, उत्साह समा नहीं पा रहा है। जो आईटी प्रोफेशनल्स है, हमारा जो ग्रुप है ग्लासगो इंडियन, वो इतना खुश है। और आजादी के निमित्त पे जो 3 कॉम्पिटिशन करवाने हैं, हम ये बच्चों को, यंग पीपल्स को जरूर करवाएंगे। और मोदी जी यहाँ से अच्छी अच्छी यादें ले जाएंगे। स्कॉटलैंड में पहली बार मोदी जी आए हैं एंड वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मोदी जी हैज चेंज द नैरेटिव। ए कॉमन मैन कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर एंड इज so much for the Indian diaspora outside India. So welcome Modi ji. My name is Maithili Kennedy. Because it was a great honor to meet Modi ji today, and he has given us a good opportunity for every Indian to speak up for us. My name is Anil Samson Benjamin Kalangalapuri. It's a great opportunity for us today to meet Pradhan Mantri Modi ji. He was very kind and he was very nice to welcome us and give an opportunity to speak to us. Since Modi ji ne International Yoga Day ki start ki, yoga to chal raha hai बहुत सेंचुरी से, बट पॉपुलैरिटी जो उन्होंने क्रिएट की है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद मोदी जी को। बिकॉज उसकी वजह से जो है लोग और भी योगा करने लग गए और इट हैज बीन रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज वंडरफुल। G20 देशों ने रोम घोषणा का अनुमोदन किया है। समूह के सदस्य देशों ने कोविड वैक्सीन की परस्पर मान्यता, वैक्सीन की जल्द मंजूरी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को सशक्त और विकासशील देशों के लिए इस वर्ष दिसंबर तक ऋण भुगतान रोकने पर सहमति व्यक्त की। वाणिज्य मंत्री और सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने रोम में संवाददाताओं को बताया कि शिखर सम्मेलन ने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन पर कोविड महामारी के असर से उबरने और जलवायु परिवर्तन रोकथाम की ठोस कार्रवाई का संदेश दिया है। बिहार में विशेष अदालत ने 2013 में पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में 9 दोषियों को सजा सुनाई है। इस मामले में 4 दोषियों को मृत्युदंड, 2 को आजीवन कारावास, 2 को 10 वर्ष की सजा और 1 दोषी को 7 वर्ष की सजा दी गई है। बम विस्फोटों के दोषी इम्तियाज अंसार, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नुमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। 27 अक्टूबर 2013 को बिहार की राजधानी में सिलसिलेवार बम विस्फोटों में 6 लोग मारे गए थे और 90 से अधिक घायल हुए थे। ये विस्फोट प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हुंकार रैली के आयोजन स्थल पर हुए थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 106 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.2% है। इस बीच टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए आज से राष्ट्रव्यापी हर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां किसी भी कारण से टीकाकरण की गति धीमी रही है। सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम से शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाएंगे, खासकर उन जिलों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार पीछे किसी भी वजह से कम हुई हो। तो विनती ये है कि हम इन हफ्तों में, इन दिनों में हम याद रखें कि जिसने पहला टीका नहीं लगाया है वो प्लीज अपना पहला टीका लगाए। जिन्होंने पहला लगा लिया है और दूसरे टीके का टाइम हो गया है, उसको देर मत करो। ये हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अभी भी हम कोरोना वायरस से पूरी गारंटी लेके बच जाएंगे। ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारा ये टीकाकरण का काम जो है वो 100% तक होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अगले वर्ष से हज यात्रा शुरू हो जाएगी। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष से हज यात्रा बंद थी। श्री नकवी ने कहा कि अगले वर्ष हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि हज यात्रा के लिए आवेदन ऑनलाइन तथा हज मोबाइल ऐप पर भी किए जा सकते हैं।
श्री नकवी ने कहा कि केवल उन्हीं लोगों को हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोविड के दोनों टीके लगवा लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय हज यात्री स्वदेश में बने उत्पादों को लेकर जाएंगे और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देंगे। रेलवे में फिल्मांकन को आसान बनाने के लिए रेल मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समेकित सिंगल विंडो फिल्मांकन प्रणाली बनाई है। इसका उद्देश्य रेलवे के किसी भी परिसर में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को सरल बनाना है। फिल्म निर्माता अब एक से अधिक जोन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रेलवे के विभिन्न स्थानों पर भी शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पारदर्शी प्रणाली से शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को समय से पूरा किया जा सकेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, आइए हम सब मिलकर कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं, त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी। और हाँ, जल्द से जल्द टीके के दोनों खुराक लेना न भूलें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने खाद की कमी की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने सभी किसानों से अपील की कि उर्वरकों की जमाखोरी न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाहों की आड़ में उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवंबर महीने में यूरिया की सभी राज्यों की ओर से डिमांड आई थी 41 लाख मैट्रिक टन। उसके सामने 76 लाख मैट्रिक टन यूरिया सप्लाई करने का प्लान नवंबर का हमने बनाया है। वैसा ही डीएपी खाद के लिए 17 लाख मैट्रिक टन की डिमांड थी, उसके सामने 18 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराने का हमने प्लान बनाया है। वैसे ही एनपीके की डिमांड थी 15 लाख मैट्रिक टन, उसके सामने 20 लाख मैट्रिक टन नवंबर महीने में एनपीके फर्टिलाइजर उपलब्ध रहे, ऐसी व्यवस्था की है। मेरी सभी किसान भाइयों को प्रार्थना है कि सरकार ने नवंबर महीने में जरूरियात से अधिक खाद उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है, इसलिए खाद नहीं मिलेगी ऐसी अफवाह में न आके खाद का संग्रह न करें। भारतीय सेना की उड्डयन कोर आज 36वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर उड्डयन कोर के महानिदेशक और कोलोनल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सूरी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल सूरी ने कहा कि हाल के अभियानों के दौरान उड्डयन कोर ने थल सेना की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्मी एविएशन कोर के 36वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी सैनिकों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई देता हूं। आर्मी एविएशन कोर का भारतीय सेना की सेवा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कुछ वर्षों में आर्मी एविएशन कोर ने अपने निरंतर प्रयास, विश्वास और कुशलता के साथ बहुत ही प्रभावित रूप से अपने आप को प्रदर्शित किया है। टेक्नोलॉजी में वृद्धि और विस्तार के अनुरूप आर्मी एविएशन कोर विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। विमानन और मानव संसाधनों की सुरक्षा और उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए आर्मी एविएशन कोर ने उड़ान सुरक्षा और विकास को प्रमुख रखा है। थल सेना की उड्डयन कोर की स्थापना 1 नवंबर 1986 को की गई थी। ये सेना की सबसे युवा कोर में से एक है। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद,
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के निवासियों को बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज 56वें हरियाणा दिवस पर 11 बड़ी जन कल्याणकारी घोषणाएं की। हरियाणा दिवस समारोह और चंडीगढ़ में राज्य सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल के सफलतापूर्वक संपन्न होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय को कायम रखते हुए उनकी सरकार में शासन तथा प्रशासनिक सुधार करना सदा ही शीर्ष वरीयताओं में रहा है। मुख्यमंत्री ने 6 महीने और उससे कम की सजा भुगतने वाले कैदियों की सजा में छूट देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बढ़ते साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य के पुलिस स्टेशनों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना करने की भी घोषणा की। पंजाब स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब राज्य सहकारी बैंक, शुगरफेड और पंजाब राज्य भंडारण निगम में सहानुभूति के आधार पर भर्ती के हिस्से के रूप में 747 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा। ये नियुक्तियां वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक, आईटीओ, क्लर्क, तकनीकी सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर कन्नड़ राज्योत्सव समारोह का शुभारंभ किया। 1956 में कर्नाटक राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से ये राज्य का 66वां स्थापना दिवस है। एक रिपोर्ट। आज अपने संदेश में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने पुनः आश्वासन दिया कि कन्नड़ भाषा के उत्थान के लिए उनकी सरकार कई कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय भाषा कन्नड़ को सरकारी कामकाज में अपनाया जाएगा, कन्नड़ शिक्षा माध्यम को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य के युवकों को उद्योग दिलवाने पर गौर किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम में जनसेवा और जनस्पंदन कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। जनसेवा कार्यक्रम के तहत 30 सरकारी सुविधाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने का काम होगा। जनस्पंदना के तहत मुख्यमंत्री ने आज हेल्पलाइन 1902 संख्या का उद्घाटन किया। इस हेल्पलाइन की मदद से नागरिक सरकारी सेवाओं से जुड़े अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा, दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अदालत ने 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए बम विस्फोट मामले में 4 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। कोविड टीकाकरण में गति लाने के लिए राष्ट्रव्यापी हर घर दस्तक अभियान शुरू। 106,34,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अगले वर्ष से हज यात्रा फिर शुरू होगी। रेलवे परिसर में फिल्मांकन को आसान बनाने के लिए समेकित एकल खिड़की फिल्मांकन तंत्र बनाया गया। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह इस वर्ष 10 दिसंबर को ओस्लो में आयोजित किया जाएगा। सेंसेक्स 60,000 के स्तर पर पहुंचा, निफ्टी भी 17,900 के स्तर पर। और T20 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला। अक्टूबर महीने में वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की गई है। इस महीने 1,30,127 करोड़ रुपए का सकल GST राजस्व संग्रह हुआ है। यह पिछले वर्ष की इस अवधि से 24% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक बहाली की प्रवृत्ति के अनुरूप है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 60,138 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,930 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 74.87 के स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 47,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 64,385 रुपये प्रति किलो रह गई। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $84.60 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई। नॉर्वे में नोबेल समिति ने फैसला किया है कि इस वर्ष का शांति पुरस्कार प्रदान करने के लिए 10 दिसंबर को ओस्लो में समारोह आयोजित किया जाएगा। यह फैसला नोबेल फाउंडेशन के उस कदम के विपरीत है जिसमें समारोह आयोजित नहीं करने की बात कही गई थी। फाउंडेशन ने कहा था कि लगातार दूसरे वर्ष स्टॉकहोम में पुरस्कार विजेताओं के लिए भोज का आयोजन किया जाएगा। अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है।
इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस मूल की अमरीकी पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को दिया जाएगा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में ग्रुप वन में श्रीलंका का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 8 ओवर में 3 विकेट पर 41 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड 3 मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर है, उसके 6 अंक हैं, जबकि श्रीलंका 3 मैचों से 1 जीत और 2 हार के साथ चौथे स्थान पर है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीरगाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अभी तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। एक नवंबर का दिन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बेहद अहम है। इसी दिन 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से क्रांतिकारी साप्ताहिक हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सेना में तैनात भारतीय मूल के सिपाहियों पर विशेष ध्यान देना और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। ये साप्ताहिक पहली बार उर्दू में प्रकाशित किया गया। बाद में 9 नवंबर से इसका पंजाबी संस्करण भी प्रकाशित किया जाने लगा। गदर पार्टी के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए बाद में इसे गुजराती, हिंदी, पश्तो, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि में भी प्रकाशित किया जाने लगा। पहले इसके अंक हस्तलिखित होते थे, बाद में इसे छोटे हैंड प्रेस के जरिए छापा जाने लगा। उन्हीं दिनों भारतीय प्रेस पर ब्रिटिश सरकार दबाव बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही थी। उस दौरान ये साप्ताहिक ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने वाले महत्वपूर्ण प्रकाशन के रूप में उभरा। हिंदुस्तान गदर में प्रकाशित होने वाले लेख शुरू में प्रसिद्ध क्रांतिकारी हरदयाल लिखते रहे, जबकि उसकी छपाई करतार सिंह सराभा के जिम्मे थी, जो उन दिनों यूसी बर्कले के छात्र थे। जिस जहाज से साप्ताहिक की प्रतियां भारत भेजी जाती थीं, वही गदर समर्थकों और अप्रवासियों को अमरीका लाता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रकाशन को देशद्रोही करार देते हुए इस पर पाबंदी लगा दी। तब प्रकाशकों ने गदर समर्थकों को ब्रिटिश गुप्तचरों से बचाने के लिए काफी प्रयास किए। 1000 से अधिक सदस्यों के नाम याद कर लिए गए थे ताकि कोई भी सबूत ब्रिटिश सरकार के हाथों में न पड़ जाए। मार्च 1914 में जब अमरीकी सरकार ने हरदयाल को गिरफ्तार करना चाहा, तो वो वहां का काम रामचंद्र, भगवान सिंह और मौलवी बरकतुल्ला समेत अन्य सदस्यों के हवाले कर जर्मनी चले गए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी फैलाना जारी रखा और पाठकों को भारत में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की जानकारी दी। अन्य भारतीयों ने उस प्रेस की मदद की जो न केवल अखबार छापता था बल्कि राष्ट्रवादियों की रचनाओं और पैम्फलेटों का संकलन भी करता था, जिनमें गदर की गूंज, तलवार और अन्य प्रकाशन शामिल थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। आज ही के दिन 1954 में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ था।
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद भारत ने पांडिचेरी के भारतीय संघ में एकीकरण का आह्वान किया। भारत ने जून 1948 में फ्रांस से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसने लोगों को क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति निर्धारित करने का अधिकार दिया। हालांकि अक्टूबर 1948 में पांडिचेरी, कराईकल और यनम के नगरपालिका चुनावों में एक को छोड़कर सभी नगरपालिकाओं में फ्रांसीसी समर्थक समूह फ्रेंच इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। नए पार्षदों ने एक बैठक में फ्रांसीसी सरकार द्वारा दी गई स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया। हालांकि मार्च 1954 में कार्यकारी परिषद के सदस्यों, पांडिचेरी के महापौरों और आसपास के 7 कम्यूनों ने जनमत संग्रह के बिना भारत में विलय के अपने निर्णय की घोषणा की। कराईकल में सभी समुदायों ने भी इसका अनुसरण किया। इसके बाद फ्रांसीसी प्रशासन ने सीमावर्ती गांव किजूर में जनमत संग्रह कराया ताकि लोगों के मत को जाना जा सके। 18 अक्टूबर 1954 को नगर निगम के पार्षदों और विधानसभा के सदस्यों ने भारत में विलय के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। भारत में 4 शेष फ्रांसीसी बस्तियों के वास्तविक हस्तांतरण के समझौते पर 21 अक्टूबर 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1 नवम्बर 1954 से लागू हुआ। फ्रांस और भारत ने एक संधि की जिससे फ्रांसीसी प्रतिष्ठान पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम भारतीय संघ में शामिल हो गए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केरल में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक 7 जिलों के लिए तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, इदुक्की और एर्नाकुलम के जिले ऑरेंज अलर्ट के तहत रहेंगे। अब एक नज़र कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मुंबई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में हल्की बारिश का अनुमान है जबकि कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और गिलगित में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। लेह और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, आइजोल और ईटानगर में आसमान साफ रहने का अनुमान है। शिलांग में बादल छाए रहने की संभावना है। इम्फाल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा और दिन के समय आसमान साफ रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में COP26 पर विश्व नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अदालत ने 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए बम विस्फोट मामले में 4 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। कोविड टीकाकरण में गति लाने के लिए राष्ट्रव्यापी हर घर दस्तक अभियान शुरू। 106 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा अगले वर्ष से हज यात्रा फिर शुरू होगी।
रेलवे परिसर में फिल्मांकन को आसान बनाने के लिए समेकित एकल खिड़की फिल्मांकन तंत्र बनाया गया। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह इस वर्ष 10 दिसंबर को ओस्लो में आयोजित किया जाएगा। सेंसेक्स 60,000 के स्तर पर पहुंचा, निफ्टी भी 17,900 के स्तर पर और T20 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।